नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी, आपके सामने हाजिर हूं सबका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट लेकर। चुनाव की बयार जब भी आती है तो उस बयार के साथ एक ऐसी हवा बहती है कि बहुत कुछ उसमें उड़ जाता है। कुछ लोग खुद उसमें उड़ते हैं और कुछ लोग उसका मजा लेते हैं। इस बयार में आखिरकार राहत किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी, ये तमाम बातें होती हैं। और जब बयार सियासी होती है तो बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं। इस समय विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन मध्यप्रदेश में लगभग शुरू हो गया और इसलिए आपको एक ऐसी बयार दिखाई पड़ेगी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को प्रभावित कर रही है। फिलहाल बीजेपी से इसलिए प्रभावित दिख रही है कि बीजेपी के लोग हवा के साथ बह करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ा नाम दीपक जोशी इसमें शामिल है और कहा जा रहा है कि बहुत सारे नाम उस फेहरिस्त में शामिल हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नाम जो बीजेपी के लिए बड़े संगठन होते थे, बीजेपी के आधार स्तंभ होते थे, वो अगर कांग्रेस कह रही कि उनकी तरफ आ रहे हैं तो एक सवालिया निशान बनता है, एक सवाल उठता है, ये मुद्दा बनता है। और इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, बीजेपी में आखिर कितने बागी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी से उपेक्षित नेता पार्टी से किनारा करते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के साथ साथ और भी कई नेता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। खास तौर पर मालवा से पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी कड़ी में इंदौर भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सत्तन का गुस्सा फिर पार्टी पर फूट पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी खिंचाई कर दी। उन्होंने दंश कसते हुए कहा कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई पाटक में। अब पाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा, ये देखना है। दीपक जोशी और भंवर सिंह शेखावत के बाद अब सत्तन के बगावती और चुनौती भरे बयान ने पार्टी को चिंता में डाल रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सत्तन को भोपाल बुलाया है। वहीं पार्टी के अंदर मची हलचल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जब भी चुनाव आता है ये सब होता है। इधर भोपाल में वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने दीपक जोशी को मनाने की असफल कोशिश की और दीपक जोशी के साथ हुई बातचीत को कुछ इस तरह बयां किया। देखिए, अभी किसी भी मामले में कोई टिप्पणी करना ये उपयुक्त नहीं होगा। सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव का समय आता है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। मेरे 2 साल के प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी की समाधि को संवारने को तैयार नहीं है, ये मेरे लिए दुख और पीड़ा का विषय है। और फिर मेरे समर्थक कार्यकर्ता उस जिले में हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के मेरा धैर्य टूट गया। अब मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूँ और किसी और पार्टी में जाऊँ। कांग्रेस मानकर चल रही है सिंधिया खेमे की बीजेपी में एंट्री से कई बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लिहाजा कांग्रेस ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत दीपक जोशी से हो रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इशारों में कहा, ये तो सिर्फ आगाज भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस तरह का पंडित करना, आत्मा को ठेस पहुंचाना और उनकी इज्जत को जलालत के रूप में दिखाना उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। आए कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी अपने दल में आने पर उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल। राजनीति का अपना गणित होता है, जहाँ एक और एक दो नहीं 11 होता है। राजनीति शतरंज की तरह शह और मात वाला खेल है, जिसमें किसी एक का नुकसान किसी दूसरे का फायदा बन जाता है। ऐसे में बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले नेता कांग्रेस की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र हो जाए, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र हो जाए, साहिल पे खड़े होकर डूबा नहीं जाता। मुजफ्फर बारसी का यह शेर सियासत के तमाम लोगों के लिए बहुत मुफीद बैठता है और इसमें दीपक जोशी भी शामिल हैं कि अगर डूबना ही है तो तूफान में नाव को डाल करके समंदर के बीच में जाके डूबा जाए, किनारे पर खड़े होकर डूब जाएंगे तो माजरा कुछ अलग हो जाएगा। कुछ ऐसे हालात बीजेपी में हो गए हैं जिसके चलते सिर्फ दीपक जोशी कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लगभग फाइनल हो गया है और बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं जो चर्चा में हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान होंगे। कांग्रेस की तरफ से उनके तेज तर्रार प्रवक्ता शहरयार खान जी हैं, जो शहरयार खान जी कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में शामिल हैं जो तथ्य के साथ अपनी बात रखते हैं।
बड़ी दमदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। और फिर जाने माने मालवा क्षेत्र के बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के हमारे मित्र और बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद मालू जी जो बड़ी आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते हैं लेकिन अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तीनों मेहमानों से चर्चा शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं शहरयार जी आपके पास आ रहा हूँ, क्या पिछली सरकार जाने का गम इतना ज़्यादा हो गया आपका या आप बीजेपी के लोगों को चुन चुन कर अपनी तरफ ला रहे हैं? देखिए अजय जी, सरकार जाने का गम अगर हमको होता तो निश्चित ही उपचुनाव के बाद हम जनता के बीच नहीं जाते। हमें मालूम था ये उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो सरकार भाजपा की बन चुकी थी उसके परिणीति में प्रभावित हैं, लेकिन जनता का जो मानस था वो 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बागडोर जो सौंपी थी और 15 महीने में जो विकास के काम कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के जनता के बीच करे और उसको मध्य प्रदेश की जनता ने खुद महसूस करा जी। चाहे वो 26 लाख किसानों की ऋण माफी हो, बिजली का बिल 100 रुपए में 100 यूनिट हो जी। और जो पुलिस हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो छुट्टी का प्रावधान था आपने, हाँ तो उसमें पूत के पांव पालने में दिखे और मध्य प्रदेश की जनता को ये महसूस हुआ कि एक तरफ तो 15 साल का मुख्यमंत्री सिर्फ उस टाइम तक 2018 तक 25,000 घोषणाएं कर चुके थे और देने के नाम पे ढाक के 3-5 जहां थे वहीं खड़े थे, और दूसरी तरफ सवा साल में विकास पुरुष कमलनाथ ने अपने 972 बिंदुओं में से लगभग 400 बिंदु मध्य प्रदेश की धरती पे सवा साल में उतारने का काम करा, उसमें लोकसभा चुनाव भी आया, आचार संहिता भी आई, तो दोनों में जनता ने कंपेरिजन करा। निश्चित ही हमारे कुछ साथ के जय चंदों ने वो सरकार को बेचने का काम करा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता 2023 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और जो आपका आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी, और जो नाम आपके पैकेज में और आपने दोहराए, चाहे वो पूर्व मंत्री दीपक जोशी हों जो कि कद्दावर भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, चाहे हम बात कर लें भंवर सिंह शेखावत की जो भाजपा के मालवा के बड़े शहर यार जी, मेरा सवाल यही था कि आपके पास तो कमलनाथ जी के सो कॉल्ड विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त है जी। आपने जैसा कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जी, उसके बाद आपने कहा कि हम लोगों ने 100 रुपए में बिजली दे दी, आपने तमाम गिना दिए 400 और 15 महीने में भी आपको टाइम नहीं मिला। हम लोग भी जानते हैं कि लोकसभा की आचार संहिता लग गई, विधानसभा का चुनाव था, बहुत सारे काम, बहुत दिन तक आपकी कैबिनेट में दिक्कत होती रही, बहुत सारे मतलब ट्रैक पे गाड़ी मुश्किल से 8-9 महीने ही चली, और 8-9 महीने ट्रैक पे गाड़ी चला के विकास के तमाम काम आपने कर डाले। तो वही तो सर सवाल उठ रहा है कि जब आपके विकास की इतनी बड़ी फेरिस्त है, इतना बड़ा नेता आपके पास कमलनाथ है, तो कहे को दीपक जोशी आ जाओ, भंवर सिंह शेखावत आ जाओ, रूप मिश्रा आ जाओ, या बिश्नोई आ जाओ, सत्यनारायण सत्तन आ जाओ, ये नौटंकी आप क्यों कर रहे हो जो बीजेपी ने की थी? देखिए अजय जी, कांग्रेस वो देश की पुरानी पार्टी है जिसका इतिहास लगभग 138 साल पुराना है, और हम लोग समरसता की राजनीति करते हैं, सबको जोड़ के चलने की राजनीति करते हैं, हम विध्वंस और तोड़ने की राजनीति नहीं करते। अगर कोई हमारी विचारधारा से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, कमलनाथ जी के आभा मंडल से, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर अगर कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहा है तो निश्चित ही एक कार्यकर्ता के तौर पर सबका स्वागत है। अजय जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप जैसे वरिष्ठ और मीडिया जगत के लोगों की भी कांग्रेस को ज़रूरत है, आपका भी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। आपकी गलतफहमी बहुत बड़ी है कि अगर आपको लग रहा है कि दीपक जोशी जैसे लोग आपसे प्रभावित होकर आ रहे हैं तो नाराजगी नहीं है, तो बड़ी आपको मुबारक हो। लेकिन मैं गोविंद मालू जी से अगला सवाल, मैं गोविंद मालू जी के पास आऊंगा। गोविंद जी, बड़ी सिंपल सी बात हो रही है कि दीपक जोशी जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, और शहरयार जी ने तमाम बातें कह दी कि साहब हम हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के, क्या आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि पराक्रम दिखाने वाले को तो बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, परिक्रमा करने वाले को मंजूर कर लेंगे? देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है जी कि कोई पराक्रम दिखाने वाले को मंजूर नहीं करेंगे, परिक्रमा दिखाने। हमारे यहाँ तो ये पीढ़ी का परिवर्तन लगातार जारी है जी। कार्यकर्ता की उपादेयता उपयोगिता कहाँ पर रहनी चाहिए उसके लिए भी सब चीजें मुकर्रर हैं, इसलिए कोई भूमिका अलग अलग हो सकती है। कोई चुनाव लड़ता है, कोई चुनाव नहीं लड़ता है, कोई संगठन का काम करता है, और ये कई सारी चीजें जो चुनाव जब पास में आते हैं तो चलती रहती है। इतना बड़ा परिवार है,
पांच बर्तन होते हैं खड़खड़ाते हैं, लेकिन उससे कांग्रेस को उस पर कोई नृत्य करने की जरूरत नहीं हमारे बर्तन खड़खड़ाने से। तो संगीत पर ये लय ताल कांग्रेस के लिए नहीं बज रही, हमारे यहाँ तो सब समझाइश भी दी जाती है, अनुशासित पार्टी है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सब लोग बात करते हैं, विचार करते हैं और उसके बाद में निर्णय करते हैं, समझाते भी हैं। अभी ना कोई गया है, ना कोई आया है, ना कुछ हुआ है और ये लगे हैं लंगर डालने। मुझे समझ में नहीं आता सर सवाल नहीं उठता है। खुश क्यों है, गोविंद भाई बातें क्यों खिल गई है? गोविंद भाई सवाल ये मुझे नहीं आ रहा है, ये अपने आगे कार्यकर्ताओं को अगर उनकी अगर उनकी चिंता कर ले तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का भला होगा, लेकिन जब वो तो मेरे मन में सर सर गोविंद भाई मंत्री गोविंद जी कहते थे कमलनाथ जी काकस में गिरे हुए हैं। गोविंद जी मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, गोविंद जी मेरे जहन में सवाल है कि बर्तन खड़के ठीक है, बनकर खड़के लुढ़के और लुढ़क के दूसरे के चौके में अगर बर्तन चला गया तो भी दिक्कत नहीं है बीजेपी को? देखिए किसी के चौके में बर्तन जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे चौका बहुत मजबूत है, हमारे चौके में अच्छे पकवान अच्छे मिष्ठान अच्छे व्यंजन है, जो आएगा हमारे चौके में आएगा, हमारे चौके से कोई जाने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सत्ता चौके में आपके चेहरे में ही इल्ली पड़ी हुई है, उनका कौन जाएगा? आपके चेहरे की चमक और दावों की धमक बता रही कि सत्ता के सिल्वर जुबली मनाने के लिए आप लोग पूरी तैयारी में। गौरव चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे युवा साथी जो बड़ी दबंगई से कलम चलाते हैं। गौरव भाई आपने सुना दीपक जोशी जा रहे हैं, भंवर सिंह शेखावत जा रहे हैं, सत्यम जा रहे हैं, सब जा रहे हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस का दावा है हमारे साथ शहरयार जी बैठे हो कि साहब कांग्रेस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के, कमलनाथ के काम से प्रभावित होकर के और तमाम चीज़ें करके इतने लोग आ रहे हैं। मेरा सवाल उनसे ये था कि आखिरकार जब कमलनाथ इतना बढ़िया किया था तोड़फोड़ जरूरत क्या थी? गौरव भाई आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए कोई किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आ रहा है या जा रहा है जी। वर्तमान दौर में जो संधा है वो सिर्फ सत्ता का शोक है और लालच है जी। जो भी उन्हें भागीदारी प्रदान करेगा वो उसके साथ जाएगा, वो चाहे फिर दीपक जोशी हो, शेखावत जी हो या गोविंद मालू जी हो। कल अगर गोविंद मालू जी को भी कोई कहेगा कि हम आपको टिकट दे रहे हैं और पार्टी दे नहीं दे रही होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गोविंद मालू जी भी पीछे नहीं हटेंगे जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे थे शहर यार भाई। देखो वही बात मैंने जो आपसे कही थी वही बात गौरव चतुर्वेदी के एनालिसिस में निकल कर आ रही कि आप किस गलतफहमी में क्यों हैं कि लोग आपकी विचारधारा से कमलनाथ जी के काम से प्रभावित होकर आपके पास आ रहे हैं। देखिए अजय जी मैंने आपसे बोला कि हमारे जो कमलनाथ सरकार के टाइम के काम है, हमारी जो विचारधारा है, हम लोग आइडियोलॉजी के साथ भले ही उसका काफ़ी हमने नुकसान उठाया जी। लेकिन हमने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, हमने देश को जोड़ने का जो काम है, हमारी जो मूल विचारधारा है इस देश में अनेकता में एकता की, तो उस पर कल भी कायम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे जी। अब ये राजनीति के परिदृश्य में चुनाव में हर जगह हर पाँच साल में जब चुनाव की वेतरणी में जाते हैं तो इस तरह के आपको दृश्य दिखते हैं। कुछ लोग अपनी पार्टी में किसी कारणवश उनको महत्व नहीं मिलता तो वो बदलते हैं कुछ, लेकिन आफ्टर ऑल कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस की विचारधारा को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी कई पिछले चुनाव में भी आपको मैं इंदौर से संजय शुक्ला बता दूं, संजय शर्मा बता दूं, ग्वालियर से सिकरवार जी बता दूं, ये सब भाजपा के मजबूत पिलर थे, लेकिन उनको वहां घुटन महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने निश्चित ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में आके स्वीकार किया और वो कांग्रेस से आज विधायक हैं। नहीं सर पर सवाल लेकिन जी लेकिन भाजपा के जिन नेताओं का आज जिक्र हो रहा है गोविंद भाई आ रहा हूँ गोविंद लौट रहा हूँ मैं आपके बीच नहीं मैं गोविंद लौट रहा हूँ घुटन होने लगी थी। अरे गोविंद भाई गोविंद भाई आ रहा हूँ डिबेट को बोलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है हाँ। कि अगर कोई हमारे दर पे आ रहा है और कमलनाथ जी के सामने रिक्वेस्ट करके और सम्मानजनक तरीके से वो कांग्रेस पार्टी में उनको जगह मिलती है तो भाजपा के नेताओं को अपना घर देखना चाहिए। अभी तो अजय जी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ये तो खाली पड़ा है इनका। अरे गोविंद जी आप
को भी खाली पड़ा है, आप इंतजार करिए जो पार्टी का निकलेगा। मैं आपके बीच नहीं बोला था गोविंद जी, आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं चैनल पे डिबेट कर रहे हो, उसको बना के रखे। अभी अजय जी मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, भाजपा में अंदर खाने जो उथल पुथल चल रही है वो भगदड़ मचने वाली है, ये मध्य प्रदेश देखेगा जी। अभी चुनाव में 5 महीने 6 महीने समय है, उस टाइम पे भाजपा अपने नेताओं को रोक नहीं पाएगी। मैं सहर यार जी मेरा सवाल कि बिल्कुल आपने एक बात तो बड़ी स्पष्ट कर दी कि कोई विचारधारा से प्रभावित होके नहीं आ रहा, आप बड़े दीपक जोशी हाथ जोड़कर आ रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि पिछली बार पिलर तो आप पिछली बार ले गए थे, क्राम कुशमारिया सरताज सिंह पिलर इनको बोलते हैं, वो पिलर बहुत दिन आपके रह नहीं पाए। क्यों संजय शुक्ला, संजय शर्मा, शिकरवार, सतीश शिकरवार जी जो खुद जन आधार के नेता हैं, तीनों के जो मैंने नाम गिनाए ये अपने दम पे चुनाव जीते हैं, तो इनका एक जनाधार था। लेकिन अगर भाजपा में उपेक्षित प्रताड़ित और अपमानित होंगे तो निश्चित ही है कि उनको दूसरा घर, मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियों का चलन है तो निश्चित ही कांग्रेस की तरफ उनका रुझान होगा, और कांग्रेस पार्टी तो गले लगाने की संस्कृति और हमारा जो पार्टी का मूल भाव है वो यही है कि कोई अगर शाम का भूला सुबह का भूला शाम को अगर घर आए तो निश्चित ही उसका स्वागत करेंगे। और अभी आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े नाम, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। गोविंद जी इतना क्या आपकी पार्टी में ये हालात इस कदर पहुंच गए हैं कि ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, भाग रहे हैं? बिल्कुल, इनके पास कोई MRI की मशीन है क्या? प्रताड़ित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मानसिक, इनके पास कोई ऐसा मशीन हो तो अपने ही लगवा के देखिए। तो सार्वजनिक रूप से बयान दिए जा रहे हैं, आपको क्या सुनाई नहीं दे रहे हैं इंदौर में? ये जो है कोई ये विचार, रघुनंदन शर्मा जी किसको मनाने जा रहे हैं? गोविंद भाई, सत्तन जी किसकी बात कर रहे हैं? 1969 के बाद ही विचारधारा खत्म हो गई। अरे कांग्रेस की विचारधारा हो गई है, परिवार आप इंदौर में बैठे हैं और उसके अंदर, अब आप मेरी बात सुनिए, अजय जी ने बैठे हैं ना, गोविंद जी को सुन ले प्लीज। हाँ अजय जी हाँ भाई, ये विचारधारा का कोई विवाद नहीं है, विचारधारा तो हमारी है मूल रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास, ये जो कुंठितवाद है और जो ये परिवारवाद, वंशवाद और वोट बैंक वाद है, ये इनके पास है। अब इससे अनुप्राणित होकर तो कोई नहीं जा सकता जी। कौन जाएगा? तो जहाज डूब रहा हो उसमें कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठता। अब ये कह रहे हैं अपने दम पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भाजपा डूबता हुआ जहाज से वहां से उतर उतर के भाग रहे हैं लोग, कांग्रेस में सब लोग अपने दम पर, बिल्कुल गोविंद जी आप सही कह रहे हैं, भाजपा डूबता हुआ जहाज है, मत पड़े शहर यानी प्लीज खुद पहलवान होता है तो जीत जाता है और कमजोर होता है। हमारे यहाँ तो कोई 4 कार्यकर्ता भी नहीं होते तो कार्यकर्ता उसको चुनाव जिताते हैं, उसका खुद का कोई जनाधार नहीं होता है तो जिता देते, अगर अच्छा है उसकी उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ये खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती कांग्रेस में लाएंगे तो आपको बाहर से लोग नहीं लेना पड़ेंगे। आप निहार रहे हैं, टक्टर की लगा के देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। गोविंद भाई वही तो बात हो रही है, थोड़ा सा चलो नहीं करते कमल नाथ जी तो आवाज नहीं करना पड़ता। गोविंद जी वही तो सवाल उठा करते हैं ना, गोविंद जी सामने सारी बात चले गए। गोविंद जी मैं गोविंद जी का दर्द समझ सकता हूँ, मैं गोविंद जी गोविंद दर्द समझ सकता हूँ जी। गोविंद भाई वही तो कह रहा मैं, मेरे दर्द की मशीन है आपके पास। गोविंद भाई मैं वही तो कह रहा कि मैं, हमारे साथी गौरव, हम सब समझ रहे हैं आपकी पूरी बात को, पर आप भी कब तक दिल पर हाथ रख के सत्ता की पालकी को उठाते रहेंगे? सवाल ही बीजेपी में तो है ना। गोविंद भाई जी, मेरा सवाल ये था कि हम और गौरव और सभी लोग इस बात से सहमत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कब तक दिल पे हाथ रख के और आंख मूंद करके और मुंह बंद करके आप सत्ता के कंधे पर अपनी पालकी उठाकर सत्ता सिंहासन तक पहुंचाते रहेंगे अपने पार्टी वालों को? यही दीपक जोशी का दर्द। हमारा दायित्व है, हम एक विचारधारा से बंधे हैं, हमें कोई दे तो भला, न दे तो उसका भला, लेकिन हम पार्टी और विचार के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, करते रहेंगे। आप जैसे लोग जो आकलन करते हैं करते रहेंगे और नेताओं को जिस तरह जो आकलन करना है करते रहेंगे। चलिए गौरव चतुर्वेदी, मैं गौरव के पास आता। गौरव भाई आपने गोविंद मालू जी को सुना, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि साहब हम तो विचारधारा से जुड़े, हमारा कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन जो मैं सवाल शुरू में मैंने सहरियार जी से पूछा था कि आप तो पिलर तो पिछली बार लाए थे, आप कुशमारिया जी पिलर थे, आपके सरताज सिंह जी पिलर थे, वो पिलर धीरे धीरे दरक गए वहां पे जाकर के, तो क्या लग रहा है दीपक जोशी जैसा व्यक्ति
या अन्य कोई जिनके नाम चल रहे हैं, ये कांग्रेस में पनप पाएंगे वहां की विचारधारा में? देखिए, जो निष्ठा गोविंद मालू जी की है पार्टी की प्रति जी, वो उस निष्ठा से दीपक जोशी भी अछूते नहीं है। और दीपक जोशी तो और पारिवारिक है, जब कैलाश जोशी जी ने उस पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। और सत्संगी ने भी कहा था कि दीपक ने तो कुछ नहीं झेला है जो कैलाश जोशी जी ने झेला है, उन्होंने उसको बताया नहीं, लेकिन वस्तुस्थिति सामने रखने की बात की, विचारधारा वाली बात नहीं आ रही है। आज आज वर्तमान में है कि टिकट अगर मिल गया उसको कांग्रेस ने दे दिया तो वो साथ में रहेंगे, और फिर कुछ ना कुछ दिन बाद जब घुटन होती है तो वापस वो पार्टी में आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सहरियार जी के पास आता हूँ मैं, सहरियार जी बिल्कुल एक सही सवाल उठ रहा है कि चलिए आपने भी अभी थोड़ी देर पहले माना कि जो लोग बीजेपी से आए और उन्होंने अपनी दमदारी से मैदान बना लिया तो उसको तो ठीक, आपके लिए ठीक है, लेकिन जिसकी अपनी दमदारी नहीं तो उसको तो कहीं कुछ लगा नहीं। आपके पास संजय मसानी भी गए थे हम यहाँ से बीजेपी छोड़ करके, आज किस स्थिति में है कुछ पता नहीं है। देखिए, संजय मसानी जी मुख्यमंत्री शिवराज जी के साले थे, निश्चित ही हमारे पार्टी में आए, उनका भी स्वागत हुआ, और आज वो पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और आगामी चुनाव में उम्मीद है कि वो प्रदेश की किसी विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो चुनाव में फिर से दम भरेंगे और निश्चित ही जनता उनको जीत का आशीर्वाद देगी। पर वो जो मुद्दा गौरव ने जो मेरे शुरू में जो सवाल था कि थोड़ा सा इससे अलग हट जाइए आप लोग ना, कि आपकी वैचारिकता से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, लोग अपना अपना बिल्कुल माहौल देख करके अपना लाभ देख करके आ रहे हैं। गोविंद मालू जी जिनको गोविंद मालू जी का साथ छोड़ना पड़ रहा है, वो आपकी विचारधारा से प्रभावित कैसे हो सकते हैं? देखिए, जिस पार्टी में रह के अगर उन्होंने जीवन अपना दिया और उस पार्टी में आज उनको हाशिए पर रख दिया गया है, अपमानित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो निश्चित ही है कि वो विचारधारा के बारे में सोचेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को देख के वो प्रभावित होंगे। और जो पूर्व में भी भाजपा के नेता आए और उनका जो सम्मान देख रहे हैं, तो निश्चित ही वो आखिर में फिर वही बात कहलाएगी कि कांग्रेस की विचारधारा से एनकेएन प्रकरण वो प्रभावित होंगे और उनको भविष्य कांग्रेस में दिखेगा। और आप देखिए कि अभी जो मध्य प्रदेश में माहौल है, भाजपा डूबता हुआ जहाज है, आज चुनाव हो जाए तो आरएसएस का सर्वे है कि 60 सीट से ज्यादा मध्य प्रदेश में भाजपा को नहीं मिलने वाली, तो निश्चित ही है कि अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और अपने आत्म सम्मान के लिए वो भाजपा से कांग्रेस में आने के लिए आतुर है। तो कांग्रेस पार्टी तो निश्चित ही है कि अगर वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करते हैं, तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। मशीन है आपके गोविंद बालू जी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, आपने भी जीवन के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और आपको भाजपा ने इस्तेमाल करने के अलावा हमारे यहाँ सर्वे की एजेंसियां तो आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ, आपको ये दर्द होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप वो खाटी भाजपा के नेता थे जिन्होंने गुड़ चने खा के भाजपा को सचित करा, लेकिन अभी भाजपा में जो कॉरपोरेट कल्चर है, जो बदली हुई भाजपा है, उसमें कोई भी अपने को वहां पर सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि ये दलालों की पार्टी हो गई है, कमीशन खोरों की पार्टी हो गई है, जनता की पार्टी हो गई है। सहरियार जी, आपकी बात से गोविंद भाई मैं लौट रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, पर जिस तरह से आप लोग मतलब 60 सीटें बीजेपी की आ रही, चलो हमने भी मान ली, पर आपकी पार्टी जिस तरह का माहौल कर्नाटक में कर रही, जिस तरह बाकी जगह कर रहे, तो 60 को 120 तो आप ही करते जा रहे हैं बीजेपी के। देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित ही कर्नाटक में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, इसी से परेशान होकर हमारे पद प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री के इतने बड़े पद को गौरवान्वित कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में और चुनावी मोड में चुनावी जीवी उनकी जो प्रणाली है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इसलिए वो ऐसे नई कहानी आ रही है, देश को बांटने की बातें कर रहे हैं, देश को बांटने की बातें कर रहा है। एक तरफ तो दिल्ली के मुहाने पे हमारे देश की महिलाएं वो रेसलर जिन पे पुलिस आधी रात को जाके अपनी ताकत आजमा रही है, वहां पर भाजपा के सांसद को आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, सजा नहीं दे रहे हैं, वो बेटियों को सजा दिला रहे हैं, देश देख रहा है, शर्म आना चाहिए। गोविंद जी,
गोविंद जी एक नया शब्द है महिला कांग्रेस की वो अरे महिला कांग्रेस छोड़िए अभी देश की बेटी जो देश का सम्मान दिला के लाई थी और मोदी जी उनके साथ बड़े फक्र के साथ चाय पी रहे थे आज वो बेटियों के मामले पे मुंह में दही जमा के बैठे आपने कर्नाटक में जाके प्रचार कर रहे हैं लेकिन सर, बेटियों के मामले में कुत्तों के मरने पे ट्वीट कर रहे हैं बेटियों के इतने बड़े अपमान पे नहीं बोल रहे हैं। गोविंद मालू जी आपको बोलना पड़ेगा भाजपा महिला विरोधी है भाजपा महिला विरोधी है एक सांसद को बचाने के लिए महिला की शोषण करने वाली पार्टी है पुलिस से दमन करा रही है महिला विरोधी नहीं महिला का दमन और अत्याचार करने वाली पार्टी है मगर बच्चों को खिलाने वाली पार्टी है। शहरयार भाई हम एमपी वापस लौट रहे हैं गोविंद भाई वापस एमपी के ट्रैक पर जी बोलिए अजय जी। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी धीरे धीरे कॉर्पोरेट कल्चर में जमती जा रही है वो बीजेपी जो चने गुड़वाली जिसमें आप काम करते थे वो तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। देखिए बैलगाड़ी युग से हम आ गए जेट युग में अब कंप्यूटर युग में आ गए जी अब हम 21st सेंचुरी के भी आगे निकल रहे हैं टेक्नोलॉजी में हर जगह आगे हैं जी वो जब तकनीक का सहारा नहीं लेंगे तो हम कोई बैलगाड़ी युग में तो चले नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कॉर्पोरेट कल्चर का क्या आशा है इनसे मुझे समझ में नहीं आता जी। ये हमारे किसी भी कल्चर में देखिए ना तो हमारे करप्शन का कल्चर है हमारे यहाँ ना कोई ऐसा कल्चर है कि नहीं हमको टिकट देख लेने के लिए कोई खिड़की लगी हो उसमें विंडो में टिकट खरीद के लेना है हमारे यहाँ तो सूटकेसों में लेना कोई सा भी कल्चर नहीं है हमारे यहाँ है राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचारधारा का कल्चर है हमारे यहाँ जन कल्याण का कल्चर है हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट और सुशासन का कल्चर है हमारे यहाँ मेरे पास थोड़ा सा शेर भाई आपकी बात हो चुकी मैं गौरव गौरव के पास पूरी बात सुनी गोविंद जी प्लीज गौरव गौरव के सर सर मैं गौरव भाई छोड़ूंगा बहुत थोड़ा सा गौरव भाई आपकी आखिरी टिप्पणी में रहना चाहूंगा मेरे पास समय थोड़ा कम है कि जो बात शुरू में मैंने कही थी एक तो जो कह रहे कॉर्पोरेट कल्चर बीजेपी जो पार्टी भी तो डिफरेंस हुआ करती थी वो धीरे धीरे उस ट्रैक से हट रही है नंबर एक और आपको लगता है जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था आपसे भी सवाल करना चाहूंगा क्या बीजेपी में ऐसा होता जा रहा है कि परिक्रमा करने वाले आगे बढ़ रहे हैं पराक्रम करने वाले अब पीछे हो रहे हैं और शायद इसी का रिजल्ट है कि बीजेपी में अब कितने बागी हो रहे हैं। गौरव स्वाभाविक बात है अगर हम पिछले कई दिनों से पार्टी की कार्यशैली को देखें तो पार्टी के कार्य पद्धति में बदलाव आया है जो कार्यकर्ता या जो बड़े नेता सादगी के साथ रहते थे शुचिता के साथ रहते थे वो आज सादगी और शुचिता को त्याग चुके हैं और सत्ता के लोगों में सत्ता का सुख में सबसे गौरव भाई था गौरव भाई मैं रोकना चाहूंगा आपको मेरा प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये तय हो चुका है कि बीजेपी में बागी हो रहे हैं लेकिन पार्टी में बदलाव जो आ रहा है उसके कैरेक्टर में जो बदलाव आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस इस बात गलतफहमी मत रहे उसकी विचारधारा से लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं बदलाव हो रहा है चुनाव का मौसम है ये बदलते वक्त में इस तरह के बहुत सारे पत्ते हिलेंगे बहुत सारी आंधियां आएंगी और दोनों तरफ हवाएं दिखाएंगी हमको और पत्ते गिरते दिखाई पड़ेंगे हम भी देखेंगे आप भी देखेंगे लेकिन इस प्रोग्राम को ही खत्म कर रहे हैं परंतु आप जाइएगा मत कहीं पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा इसलिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।